Good morning, student. Myself, Dr. Anju, Assistant Professor of Geography, Kanya, Mahavidyalaya, Kharkhoda. आज का हमारा टॉपिक है द वर्क ऑफ विंड एंड एयोलियन लैंडफॉर्म्स, पवन के कार्य और वातस्थला कृतियाँ. सबसे पहले पवन किसे कहते हैं? भूपृष्ठ पर 37 दिशा में बहती हुई वायु राशि को पवन कहा जाता है. अनासाधन के साधन के रूप में पवन का कार्य केवल शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही सीमित रहता है. पवन जो है आर्द्र क्षेत्रों में अपना अपर्दन या परिवहन या निक्षेपना कार्य नहीं करती, ये केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही अपना कार्य करती है जो उष्ण व शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं. विश्व का लगभग 30% भाग मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय माना जाता है. पवन के अपर्दन और निक्षेपण से बनी स्थलाकृति को वातस्थलाकृति कहते हैं. फिर अब वर्क ऑफ विंड. नदी और हिमनदी के भांति पवन के कार्य पर गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं पड़ता. जैसे नदी और हिमनदी जो है ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है, ऐसे पवन जो है ढाल के विपरीत भी प्रवाहित हो सकती है, तो इसके ऊपर जो है गुरुत्व बल का कोई असर नहीं होता. पवन का कोई भी निश्चित मार्ग व दिशा नहीं होती है. पवन जो है किसी भी दिशा में किसी भी रास्ते पर प्रवाहित हो सकती है. पवन मरुस्थलों में रुकावट के अभाव में जो है दूर दूर तक कार्य करती है और अपर्दन के कारण जो है विचित्र रूप पैदा करती है. अगर पवन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती है तो पवन जो है बहुत दूर तक प्रवाहित ऐसे ही प्रवाहित होती रहती है और विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है. लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस बाई विंड इरोजन. सबसे पहले है ब्लो आउट से वातगर्त. वातगर्त वनस्पति वहीन मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेजी से बहती हुई पवन में भंवर पैदा हो जाते हैं और वह वृत्ताकार रूप में घूमने लगती है. घूमती हुई पवन रेत में एक तरह से छेदन का कार्य करती है जिससे धरातल पर दस्तरी जैसी आकृति के उथले चौड़े गर्त बन जाते हैं. इन्हीं को जो है वातागर्त कहा जाता है. पवन जब है ऐसे प्रवाहित होती है, जब वो घूमती है तो एक ही स्थान पर लगातार घूमने से ड्रिलिंग मशीन की तरह वो कार्य करती है और इससे जो है ये जो आकृति बनती है इसको ब्लो आउट वातगर्त कहते हैं. फिर उसके बाद छत्रक या गारा. मरुस्थलों में पवन के मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के आधार तल जो है अपर्दन के सबसे अधिक होता है, मतलब नीचे वाला जो भाग है इस पे अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है. जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं अपर्दन जो है वो कम होता है. इसका कारण क्या है कि जो नीचे वाले जो हिस्से होते हैं, भारी जो टुकड़े होते हैं, सेल कण जो होते हैं वो नीचे वाले भाग पे घसीटते हुए चलते हैं, जबकि हल्के कण जो है वो हवा के द्वारा ऊपर उड़ाए जाते हैं. तो इससे जो है हल्के कण कम अपर्दन करते हैं, भारी कण जो होते हैं वो ज़्यादा कटाव करते हैं. तो इससे जो है मरुस्थल के अंदर किस चट्टान की आकृति एक छतरी नुमा आकार की हो जाती है. इस कारण जो है इसको छत्रक या गारा कहा जाता है. फिर उसके बाद जूजन. जूजन जो है मरुस्थलों में जब कोमल और कठोर चट्टाने 37 दिशा में एक दूसरे के ऊपर बिछी होती हैं तो ऊपर की तो अपक्षय कारण ऊपरी कठोर चट्टान संधियों का विस्तार होने लगता है और हवा जो है ऊपरी कठोर चट्टानों की संधियों के माध्यम से जब अंदर आती है तो अंदर की बीच बीच में से कोमल चट्टान का अपर्दन कर देती है. फिर उसके बाद जो आकृति बनती है कठोर चट्टान के ऊपर ढीले रह जाते हैं, तो इस आकृति को जो है जूजन कहा जाता है. फिर उसके बाद यारडांग. यारडांग में जो है कोमल और कठोर चट्टाने दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो इसमें से जो है जब हवा चलती है तो बीच बीच में से जो कोमल चट्टान होती है उसका कटाव ज़्यादा होता है कठोर चट्टान की बजाय. तो बीच में से कोमल चट्टान हट जाती है और कठोर चट्टान जो है नुकीले स्तंभ के रूप में खड़ी रह जाती है. इसको जो है यारडांग कहा जाता है. फिर उसके बाद इंसेलबर्ग. इंसेलबर्ग पवन के अपर्दन अपघर्षण क्रियाओं से मरुस्थल का विस्तृत प्रदेश लगभग समतल पृष्ठ बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर बीच बीच में कठोर चट्टाने खड़ी रह जाती हैं. ये जो कठोर चट्टाने मरुस्थल में दूर से दिखाई देती हैं, तो ये मरुस्थल में जैसे समुंदर के अंदर द्वीप होते हैं तो ये मरुस्थल में समुद्री द्वीप की तरह दिखाई देती हैं. इन्हीं द्वीप को जो है इंसेलबर्ग कहते हैं. फिर उसके बाद भूस्तंभ या डिमोइसल. शुष्क मरुस्थलों में यदि कहीं कठोर चट्टान बिछी होती है तो पवन
दवारा चट्टान के आसपास तो अपरदन हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग जो है वो यूं का यूं चोटी के रूप में, ऊंचे स्तंभ के रूप में बचा रहता है। इस कारण इसको जो है भूस्तंभ या डिमोइसल कहा जाता है। पाषाण जालक में जब कोमल और कठोर चट्टानें दोनों एक दूसरे के ऊपर साथ जो है लंबवत भी हों और क्षैतिज दिशा में भी हों, तो इससे जो है पवन कार्य जो करती है बीच बीच में से कोमल चट्टान का अपरदन कर देती है, तो वहाँ पे उन चट्टानों के बीच में जाल बन जाते हैं। कोमल चट्टानों का कटाव ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे बीच में जाल बन जाते हैं, इसी के सम्मिलित रूप को जो है पाषाण जालक कहा जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ विंड, न तो पवन का वेग हमेशा एक जैसा रहता है और न ही इसकी प्रवाह दिशा निश्चित होती है, अतः अपरदन के अन्य कारकों की तुलना में पवन का परिवहन कार्य अनिश्चित होता है। लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय विंड डिपोजिशन, इसके निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, इसमें जो है सबसे पहले उर्मिकाएँ हैं। रेतीले मरुस्थलों की सतह पर लहरों जैसे निशान पाए जाते हैं जिनको उर्मिकाएँ कहते हैं। जैसे हमने टीवी के अंदर देखा हो कि मरुस्थल क्षेत्र में ऊपर नीचे ऐसे लहरनुमा आकृति में रेत का जमाव होता है, तो उस रेतीली जमाव को जो है उर्मिकाएँ कहा जाता है। सैंडून्स या बालू से लदी पवन की गति कम होने लगती है, या पवन के मार्ग में जब कोई रुकावट आ जाती है तो पवन द्वारा इकट्ठी की हुई सामग्री का एक जगह ढेर लगना आरंभ हो जाता है, तो इन्हीं ढेर को जो है बालू का स्तूप या सैंडून्स कहा जाता है। ये सैंडून्स जो है धीरे धीरे आगे खिसकते रहते हैं, जैसे यहाँ से अगर पवन चल रही है तो ये वाली जो रेत है यहाँ से उठ के वो इस हिस्से में इकट्ठी हो जाएगी, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है उठ के आगे यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, तो इस तरीके से जो है ये बालू के टीले आगे खिसकते रहते हैं। फिर उसके बाद लोयस जो है एक तरह की चिकनी मिट्टी होती है या लाल मिट्टी होती है। पवन अत्यंत महीन धूलिकणों को मरुस्थली प्रदेशों से दूर विस्तृत मैदान के रूप में निक्षेपित कर देती है, जिसको लोयस कहा जाता है। सीप, ये लॉन्गिट्यूडिनल टीले होते हैं जो पवन के बहने की दिशा में बनते हैं, इनको जो है अनुदैर्ध्य टीले भी कहा जाता है। थैंक यू।